हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एक समर हर्बल फेशियल करना बताऊंगी कि कैसे आप घर पर कर सकते हैं। हर्बल फेशियल है, सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट किसी चीज़ का नहीं है। तो इसको एवरी स्किन टाइप वाले कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी, ड्राई स्किन वाले भी एंड सेंसिटिव स्किन वाले भी। इसका ग्लो बहुत ही अच्छा आता है, उसको स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते तक। तो कैसे करना है, कैसे बनाना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पर आपको प्रेस करना होगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैंने अच्छा काम किया है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक जरूर किया करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। तो जो ये हर्बल फेशियल है, ये बहुत ही यूजफुल होता है समर्स में, खासकर गर्मियों में आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट डाल देता है, स्किन पर एक चमक आ जाती है आपके। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज करनी है, सबसे पहले तो आपको लेना है रोज पेटल्स। तो मेरे पास फ्रेश रोज़ नहीं था, मेरे घर में फ्रेश रोज़ मतलब प्लांट नहीं है रोज़ का, तो फ्रेश नहीं था मेरे पास। तो लेकिन जब भी मेरे पास रोज़ वगैरह इधर उधर से मुझे मिल जाता है तो मैं उसको इस तरह से सुखा कर रख लेती हूँ पेटल्स को। अगर आपके पास भी फ्रेश नहीं अवेलेबल होता है तो रोज़ इधर उधर कहीं भी अगर पड़ोस में भी है तो लेकर उसको सुखा कर रख लीजिए। तो जब भी आपको पैक बनाना है या यूज़ करना है स्किन केयर के लिए तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। जो गुलाबी पत्तियाँ होती हैं, चेहरे के पीएच लेवल को मेंटेन करता है गुलाब, और आपकी स्किन को डैमेज से बचा देता है, डैमेज जो भी होता है उसको रिपेयर कर देता है, और आपकी स्किन पर एक गुलाबों सा निखार बिल्कुल आ जाता है रेगुलर अगर आप यूज़ करते हैं तो। तो मैंने इसको गर्म दूध में, हल्का गर्म दूध किया था, उसमें इस तरह से भिगा कर एक घंटे पहले इसको मैंने रख दिया था पेटल्स को। और साथ ही मैंने इसमें कुछ बादाम भी ऐड किए हैं, 5 से 6 बादाम मैंने इसमें इस तरह से ऐड कर दिया था, इससे ये भी सॉफ्ट हो जाए जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बने, तो कुछ भी दरदरा ना रहे, तो स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने 3 चीज़ें इसमें ले ली हैं, रोज पेटल और दूध लिया है और बादाम लिया है, ये 3 चीज़ें हम इसमें ले चुके हैं। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है ये मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल का पाउडर आप घर पर इजीली बना कर रख सकते हैं, बहुत अच्छे से थिन सा पाउडर इसका एक बना लीजिए। इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, जब भी आप पैक कोई भी यूज़ करते हैं, टाइम नहीं है तो मसूर दाल पैक आप यूज़ कीजिए। मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ भी है कैसे पैक बनाना है, लगाना है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, स्किन वाइटनिंग फ़ौरन प्रोवाइड करता है ये आपको। तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के ये मसूर दाल का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो क्या है, वो है ये चंदन पाउडर। ये चीज़ें जो पाउडर वाली चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं, ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ डाल रही हूँ और मैं इसको ग्राइंड करूंगी उसके बाद और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि एक भी स्टेप मिस ना हो और आपका रिजल्ट वही आए जो मैं, जिस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट कैसा आता है आपके पास, बिल्कुल वैसा परफेक्ट रिजल्ट इसका एक पैक का आए, हर्बल फेशियल पैक का। तो 1 स्पून भर के मैं इसमें सैंडलवुड पाउडर ऐड कर दूंगी। गाइस, इस तरह से हमने इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आपको इसमें जो लास्ट में चीज़ डालनी है उसको भी हमें ग्राइंड करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से ही डाल लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मक्खन है तो आप वो डाल सकते हैं, फ्रेश मक्खन ले लीजिए, उसको डालिए और ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल क्रीमी सा एक पेस्ट बन जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश मक्खन नहीं, देसी घी भी डाल सकते हैं, मैं इसमें 1/2 स्पून के करीब डाल दूंगी, जिससे कि हमारा जो ये पैक बनेगा ना बिल्कुल स्मूथ सा बनेगा, और जब हम स्किन पर लगाएंगे इसे, अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, नेचुरली नरिश होगी और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग हो जाएगी। अब मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये इस तरह का पैक रेडी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जब पैक तैयार किया है थोड़ा सा पतला हो गया है या गाढ़ा हो गया है, तो उसमें गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें दूध मिक्स कर सकते हैं, मलाई वगैरह मिक्स कर सकते हैं, या अगर थोड़ा पतला हो जाए तो इसमें आप सैंडलवुड पाउडर एंड मसूर दाल पाउडर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको इतना थिक पेस्ट बनाना है। अब आपको इसे अपने चेहरे पर, पहले तो सबसे पहले आप अपने चेहरे की क्लींजिंग अच्छे से करेंगे, कोई भी फेस वॉश यूज़ करेंगे या कच्चे दूध से करेंगे, चेहरे पर हल्के हाथ से कच्चा दूध ले लीजिए, उसको 1 मिनट रब करते हुए आप क्लींजिंग कर लेंगे और उसको वॉश कर देंगे, उसके बाद ही आपको ये पैक यूज़ करना है। पहले चेहरे को अच्छे से आपको साफ़ करना होगा। तो इस पैक को आप इस तरह से अपने चेहरे पर लगा लीजिए, हल्की मसाज करते हुए भी लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह लगाकर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बहुत कूल सा लग रहा है, कूलिंग सा इफेक्ट इसका एक आ रहा है, एक तभी ये समर्स के लिए बेस्ट फेशियल है, हर्बल फेशियल।
तो बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ें हैं इसमें, जो भी हमने ऐड की हैं बहुत इफेक्टिव सा ये पैक है, तो इसको प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने इसको लगा लिया है, तो इसको थोड़ी देर सुखाने के बाद मैं आपको इसको उतार के दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कि कैसा रिज़ल्ट आता है। बहुत अमेजिंग एक पैक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको उसको थोड़ा। दोस्तों इसको लगाए हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको उतार के दिखाऊंगी आपको। ये 10 से 15 मिनट कम से कम रखना है, सूखने तक रखना है, और सूख भी जाए तो भी 15 मिनट रखना ही रखना है। लेकिन मैं आपको जल्दी से इसको उतार के दिखा देती हूँ, 5 मिनट ही हुए हैं, इसी में आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा हर्बल फेशियल पैक है। तो कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिए आप, डायरेक्ट वॉश नहीं करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे और उससे आप इस तरह से इसको साफ़ कर देंगे। इस तरह गीला कपड़ा ले लेंगे और उसे साफ़ कर देंगे। तो साफ़ करने के बाद आप जाकर वॉश कर सकते हैं इसे, लेकिन पहले आपको ये कपड़े से ही साफ़ करना होगा। और हाथ देख रहे हैं कि कितना चमक रहा है, और दूसरा हाथ भी देख लीजिए कि इसके सामने कितना डल लग रहा है, कालू कालू, तो कितना अच्छा ग्लो आया है इस पैक का। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक पैक है एंड बिल्कुल बेनिफिशियल है, किसी भी तरह के स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। तो आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए और दोनों हाथों को देख लीजिए। दोबारा से फिर से दिखा रही हूँ कि इस पर लगाया था और इस पर नहीं लगाया, तो 5 मिनट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों हाथों में। तो इसको ट्राई कीजिए इस पैक को, जब भी आपको लगे कि स्किन डल हो रही है, हफ्ते में कम से कम 2 बार नहीं 3 बार नहीं तो इसको 1 बार एटलीस्ट ट्राई कर लीजिए, बना लीजिए। बनाकर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे तो इसको में 2 बार यूज कर पाएंगे इजीली। बहुत ही इफेक्टिव सा है। प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसी यूजफुल सी वीडियोस को, अच्छी अच्छी सी बहुत बेनिफिशियल सी वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो इसका रिजल्ट आया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए।